ओबीएस कहानी नंबर 42 ईश्वर स्वर्ग आखे वापस जाना। जिस दिन परमात्मा ने यीशु मरिया दे विच ते जिउंदा कीता तेसी दिन तेसरे दो चेले नजदीक वाले गांव विच जाने लगे रहे थे और चलते हुए जो कुछ यीशु साथे हुआ था तीजरे बारे च गल्ला करने लगे रहे थे। सो बोलने लगे रहे थे कि से मसीह था पर तेबे भी से मारिया गया। इब सो जान से बोलने लग रही थी कि यीशु दोबारा जिउंदा होएगा दा सो नहीं जानो थे कि किस गल्ला पंदे भरोसा करना है। ईसू आए कि तिना चेले साथे चलने लग्या पर सो ते इसके पहचान ही नहीं सके। ईसू ने तिना ते पूछा कि तुसे किस बारे च गल करने लगी रे। तिना ने ते इसके पिछले दिन विच ईसू साथे हुई दी सारी घटना ने बारे च बताया। तिना ने सोचा कि अस किस परदेसी आदमी साथे गल्ला करने लगी रे जो नहीं जानदा कि यरूशलेम शहर विच क्या हुआ था। तब ईसू ने तिना के समझाया कि परमात्मा रो वचन मसीह रे बारे च क्या बोलो। बहुत समय पहले भविष्यवक्ताओं ने बोलिया था कि बुरे लोगों ने मसीह बहुत पीड़ित करना और तिना ने से खत्म कर देना, पर भविष्यवक्ताओं ने यह भी बोलिया था कि से तीजे दिन मरिया दे विच ते जी उठना। जब से तेस नगर विच पहुंचे जेती से दो जने ठहरना चाहो थे तब तक लगभग संझ हो गई थी। तिना ने यीशु के आपके साथ ठहरने खातर बोलिया। तब यीशु तिना साथ एक घर विच गया और से संझ का खाना खाने बैठे। यीशु ने एक रोटी लई और तीज खातर परमात्मा का धन्यवाद दिता और फिर से रोटी तोड़ी। तब एकदम तिना को पता लगेगा कि ये यीशु है, पर तब तक से तिना नजरी ते गायब हो गया था। सो दो जने एक दूजे के बोलने लगे ये यीशु था। जब तिने आशा को परमात्मा रो वचन समझाया तो आसे बहुत उत्साहित थे। सो एकदम यरूशलेम शहर को वापस चली गए। जब सो पहुंचे तो तिना ने बाकी चेले के बताया कि यीशु सच्चे जिंदा होएगा दा आसे से देखा। जब चेले गल करने लगे रहे थे तब यीशु अचानक तेस कमरे विच तिना सामने प्रगट हुआ। यीशु ने बोलिया तुसा के शांति मिलो। चेले ने सोचा कि ये कोई भूत है, पर यीशु ने बोलिया तुसे कौन डरने लगे रे, तुसे ये कौन ही सोच दे कि ये सच्चे ही हाऊ है। मेरे हाथ पैर के छुई के देखो, क्योंकि बहुत तरह हड्डी और मांस नहीं हुंदा जेड़ा तुसे मेरे बीच देखो है। यीशु ने ये दिखाने खातर कि हाऊ बहुत नहीं है तिना कुछ खाने खातर मांगया। तिना ने पूजी दी मछली का टुकड़ा दिता और यीशु ने टुकड़ा लेके तिना सामने खाया। यीशु ने बोलिया मेरे बारे च पवित्र शास्त्र विच लिखा था जो वचन जो कुछ भी बोलो आ से सब पूरा होना। मैं तुसा के बताया था कि ये सब होना जरूरी है। तब यीशु ने तिना के परमात्मा रो वचन अच्छे से समझाया। तिने बोलिया बहुत समय पहले भविष्यवक्ताओं ने लिखा था कि मसीहे यानी माखे बहुत ज्यादा दुख उठाना पड़ना, मरना पड़ना और फिर तीजे दिन मरिया दे विच ते जी उठना पड़ना। तिना भविष्यवक्ताओं ने यह भी लिखा था कि मेरे चेलिया ने परमात्मा रो वचन प्रचार करना और तिना ने हर एक आदमी के बताना कि अपने पाप पर पछतावा करो। तिना ने इजरी शुरुआत यरूशलेम शहर ते करनी। तब से सब जाएगा सब बरादरिया विच जाने जो कुछ मैं बोलिया और कीता और जो कुछ मेरे साथ हुआ तुसे इन सब गल्लां रे गवाह है। अगले 40 दिन तक यीशु अपने चेलिया सामने कई बार प्रगट हुआ। एक बार तुसे एक ही समय पांदे लगभग 500 से ज्यादा लोगों सामने प्रगट हुआ। यीशु ने अपने चेलिया के कई तरीके से साबित किया कि हाँ जिंदा है और यीशु ने तिना के परमात्मा राज्य के बारे में शिक्षा दी। यीशु ने अपने चेलिया के बोलिया परमात्मा ने स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार माखे दे रखा, इस खातर ए बहुत तुसा के बोलू है कि जाओ और सब बरादरी लोगों के चेले बनाओ और तिना के पिता परमात्मा पुत्र और पवित्र आत्मा नाव ते बपतिस्मा दो। जो कुछ भी मैं तुसा के आदेश दिते ये सब आदेश तुसे मानो और लोगों के मानना सिखाओ। याद रखियो आऊ हमेशा तुसारे साथ रहना। ईश्वर मरिया दे विच ते जी उठने 40 दिन बाद तिने अपने चेले के बोलिया सुनो आऊ आप ही तुसा पंदे पवित्र आत्मा भेजूंगा जिजरा वादा मेरे पिता परमात्मा ने कर रखा, पर तब तक तुसा के यरूशलेम शहर विच इंतजार करना पड़ना जब तक पिता परमात्मा तुसा के सामर्थ्य न दो। प्रभु यीशु तिना साथे गल्ला करने ते बाद स्वर्ग विच उठा लिया गया और एक बादला ने से तिना नजरी ते छुपाई ला। यीशु स्वर्ग विच सब चीजा पांदे शासन करने खातर परमात्मा ने दाएं तरफ बैठेगा।